हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम जिसमें बैठ करने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है लाहौर कलंदर के ऑनर फवाद राणा के ऊपर बायोग्राफी, इनकी लाइफ स्टोरी। देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इंडिया में पता ना पाई चलने वाली भी क्रिकेट आने वाले ना, वो क्या बोलते हैं आईपीएल आने वाला, इंडिया प्रीमियर लीग आने वाली है ना, तो पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख से आई गेस। तो वहाँ पर जैसे टीम्स है ना, उनके ऑनर्स हैं, तो उनमें एक टीम है लाहौर, लाहौर की जो टीम है लाहौर कलंदर्स, ठीक है, उनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रहती है हमेशा। बट उनकी जो मैं कमेंट्स पढ़े थे, मुझे पता नहीं है, कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उसमें बोलते हैं लोग कि जो उनकी लाहौर की टीम है ना, इतनी पॉपुलैरिटी था उनकी, वजह से भी उनकी ऑनर का, जो राणा साहब, ये नहीं है इनका नाम है, ये क्या ना, फिर से बोल के सॉरी, नाम इनका सर का नाम फवाद राणा, ठीक है, कि इनकी जो पर्सनैलिटी, इनका जो नेचर है ना, हाँ फवाद, इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, इनका जो नेचर है, इसकी वजह से इनकी टीम को लोग प्यार करते हैं। जो लाहौर वाली टीम है ना, चाहे मैच जीते ना जीते, इनके पूरे मैचेस देखते हैं टीम, जिनके फैंस है अपन, ऐसे ही देखे हुए ही है यार, जैसे नहीं है वो अपने पंजाब में, नहीं तो किंग्स इलेवन पंजाब है, वाली कभी जीतते नहीं है, पर उनकी फैन फॉलोइंग हमारे दिल में बसती है, वो टीम ताकि आपको हमारी हार नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। या सब्सक्राइब करें भाई को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप फवाद राणा और लाहौर कलंदर्स के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। या दोस्तों, आज बोल दिया आपको, में हम बात करने वाले हैं पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर्स के मालिक फवाद राणा की जिंदगी, मैचेस में रोज पढ़ते हैं पता है, हां वो तो कुछ और, पीएसएल की मशहूर शख्सियत फवाद राणा कौन है और फवाद राणा की पीएसएल की कामयाबी के लिए क्या खिदमत हैं। फवाद राणा लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए, उन्होंने अपने करियर का आगाज थिएटर ड्रामों से किया, उसके बाद एक्टर थे, के हसूल के लिए कतर चले गए, उन्होंने खूब मेहनत की और कतर आई लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। फवाद राणा पाकिस्तान और कतर के कारोबारी हलकों में अच्छी खासी पहचान रखते हैं। फवाद राणा ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान तालुकात के लिए एक पोल का किरदार अदा किया है, वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बने। आज से 4 साल पहले जब पीएसएल शुरू करने का मंसूबा बनाया गया तो इस वक्त के चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने फवाद राणा से मुलाकात की और पीएसएल में टीम खरीदने की गुजारिश की। उन्होंने अपने भाई से मशवरे के बाद बखुशी इस शर्त पर कि वो सिर्फ लाहौर की टीम खरीदेंगे, वो इस बात पर राजी हो गए और इस तरह उन्होंने पीएसएल की तीसरी महंगी तरीन टीम को $24 मिलियन में खरीद लिया। इनकी टीम लाहौर कलंदर्स पीएसएल के पहले 3 सीजन में कोई खास कारकर्दगी तो नहीं दिखा सकी, बट फेमस है। फवाद राणा ने लाहौर की टीम को पीएसएल की मकबूल तरीन टीम बना दिया है। फवाद राणा ने पीएसएल को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की है, मुकम्मल टैक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए हैं और काफी ज्यादा भागदौड़ भी की है। हालांकि फवाद राणा से ज्यादा बड़े सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर किसी को पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1 रुपया खर्च करने की तौफीक नहीं होती। Exactly. फवाद राणा ने पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है। फवाद राणा को क्रिकेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए ज्यादातर क्रिकेट के मामला इनके भाई आतिफ राणा और समीन राणा देखते हैं। डैन सैमी, ये हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते, संजीव इंसान ने वो तो प्लेयर तफरी मुहैया करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है और कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है। राणा फवाद पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी क्रिकेट से बेहद प्यार रखने वाले इंसान है। Exactly. आखिर में हमारी दुआ है कि आप पीएसएल 4 में लाहौर कलंदर्स की टीम ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां समेटे और राणा साहब को ज्यादा से ज्यादा खुशियां मिले। बिल्कुल बिल्कुल यार। दोस्तों, पीएसएल 4 में आपकी फेवरेट टीम और आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यार इतना वीडियो से मुझे समझ, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई वीडियो से, बट जितना मुझे पता लगा कि जैसा मुझे पहले बता रहा भी, उनकी थोड़ी नेचर अच्छा है, ठीक है, तो उनको बहुत सारे उनको प्यार करते हैं लोग वहाँ पे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक टीम को बनाने के लिए क्योंकि पीएसएल जो पीएसएल है ना, पाकिस्तान आईपीएल के बाद में आया था, क्योंकि आईपीएल तो लाइक इंडिया मान रही, इंडिया क्रिकेट का बहुत बड़ा देश है, तो इंडिया में तो लाइक बहुत सारे अमीर लोग हैं जो मतलब टीम लेते हैं, पर पाकिस्तान में जब ये टीम आया था ना, पीएसएल शुरू हुआ था, तो वहाँ पे टीम्स जितने मेरी नॉलेज है इसमें बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे इतने अमीर लोग नहीं थे कि लाइक टीम्स बना सके, हाँ, तो फिर जो जो मतलब भरे लोग थे लाइक जो जैसे राणा साहब इन्होंने
टीम खरीदी ताकि ये एक इवेंट चल सके पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो लाहौर यूनियन टीम खरीदी, कितने वही बोला पता नहीं 40 मिलियन पता नहीं कितने डॉलर इस्तेमाल करे, ओह माय गॉड कितने पैसे हैं इनके पास। ये पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में सबसे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग हैं ना उनका सारा बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना। जितने पाकिस्तान में अमीर होगा सारे प्रॉपर्टी डीलर्स ही अमीर, मुझे जितना मुझे पता है, ठीक है। और बाकी आप बताएं कि गाइस आप में से लाहौर कलंदर का कौन कौन बंदा फैन है, ठीक है। हम तो भाई किंग्स इलेवन पंजाब के हैं, इंडिया वाले, पाकिस्तान में बताएंगे लाहौर कलंदर का फैन कौन कौन है, और अपनी टीम बताएं अगर लाहौर कलंदर की टीम नहीं है कि फेवरेट, और कौन सी टीम आपको लाइक सपोर्ट कर रहे हैं इस PSL में, और आप अगर IPL देखते हैं तो आप IPL की बता सकते हैं भी आप फेवरेट टीम कौन सी है, ठीक है। तो गाइस इसे भी खत्म कर रहे हैं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ना भूलें। लव यू गाइस, पीस।